वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरुद्वारा साहब रतन जी प्रबंधक कमेटी जगमीत सिंह जिला पार्षद चेयरमैन साहब का स्वागत कर रहे हैं। आज गुरु दरबार के अंदर आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई और आज गुरु दरबार में बैठ के मेरे साथ मेरे छोटे भाई जो कंधे से कंधा मिला करके पहले दिन से मेरे साथ खड़े हैं जगवीर रत्तक जी और गांव के रत्तक गांव के सरपंच जिंदा गांव के सरपंच पूरा सरपंच मेरे पिता समान बुजुर्गों नौजवान साथियों आज यहां आकर के बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है और मेरे को पता है जब हमारी जिला परिषद बड़ी उसके बाद चेयरमैन का जैसे चुनाव हुआ और हमें चेयरमैन बन करके आए और जगवीर की सिर्फ एक ही डिमांड थी कि ये मैं सिर्फ सेवा के लिए जिला पार्षद बना और वाकई में जिस दिन से मैं हमेशा अपने पूरे वार्ड की दिन रात चिंता करता रहता है और पीछे भी हमने वार्ड के लगभग 30 से 35 लाख के काम तो हमने पहले हाउस में ही पास कर दिए थे। अब भी जो ये आया है लगभग 40 लाख के काम इस बजट में भी हमने दिए हैं और मैं लिस्ट देख रहा था क्योंकि हमने कुछ ई लाइब्रेरी और इंडोर जिम दी है जिंडा का भी नाम है ये दत्तक में भी एक ई लाइब्रेरी जल्दी लगने जा रही है जिला परिषद से वो भी काम अभी जल्दी आपका स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं लिस्ट में देख रहा था और भी वार्ड के आप जगवीर के वार्ड में और भी दो तीन काम है जिसमें इंडोर जिम और ई लाइब्रेरी जल्दी लगने जा रही है ये सब जगवीर की मेहनत का फल है और हमने मिलकर के इस बार 25 पार्षद हमारे जिला परिषद के बनके गए और हमने अपना हाउस बनाया और हम सब का एक ही संकल्प है कि पूर्ण तरीके से
हम पूरे जिले में ग्रामीण एरिया का किस तरीके से विकास करा सके, वही पहल लेकर के हम चल रहे हैं। और आज आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि जब जिला परिषद का काम होता हो पूरे जिले में समान रूप से काम होता हुआ नजर आ रहा, हम बिना किसी भेदभाव के बिना किसी उसके प्रॉपर तरीके से प्राथमिकता पे जो काम होने वाले हैं उनको हम सभी करा रहे हैं। और अभी बात चल रही थी कि गुरुद्वारा सामने गुरुद्वारे का बड़ा हम एक लंगर हाल बनाने लग रहे हैं बड़ा, और उसमें कुछ एक पोर्शन ऐसा जिसमें चार कमरे इलेक्ट्रिक बाथरूम ये बनाने हैं उसमें, और उसका लगभग बजट बता रहे हैं 40 लाख का बजट होगा। मैं कहता हूँ 40 का हो चाहे 50 का हो चाहे 60 का हो, वो जिम्मेदारी हम जिला परिषद की तरफ से लेते हैं और उसमें जगबीर भाई और मैं मिलकर के उसको कंप्लीट उस पोर्शन को हम आपको करके देंगे। ये हम आज गुरु दरबार में खड़े होकर के कह के जा रहे हैं और गुरु जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे और हम इसी तरीके से आगे काम करते रहे। एक काम और आपको बताते हैं, कोई झंडे का काम है वहां पंचायत भवन में बनाना होगा, पंचायत भवन बनाने की बात है तो वो भी काम हम जल्दी स्टार्ट कराएंगे और एक साल के अंदर अंदर परमात्मा ने चाहे ये दोनों काम हम करके देंगे। उसके बाद दुर्गोपयोग का ये तो हाँ, ये अभी जो एक काम स्टार्ट हो रहे हैं आपने इस बार के दोपड़िया उसे वो लगभग 18.5 लाख का एक लगा करके हम एक रास्ता बनाने लग रहे हैं, अभी उसका काम टेंडर हो चुका है। एक कुड़दन में क्या ये टेंडर हो ये बन गया भी है रास्ता, एक ये अमीर सिंह शेखू मरेगा है ये भी रास्ता तैयार हो चुका है। ये काम अभी हमने सारे जो कंप्लीट कर दिए जिसके टेंडर लग गए जिसके हमने पैसे रिलीज कर दिए वो काम है, और बाकी आने वाले टाइम में जो भी आप जिम्मेदारी हमारी सारे आप सारे मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं नौजवान साथी भी बैठे हैं, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था मैंने एक बात कही थी जब मैं वोट भी मांगने जा रहा था लोगों से कि भाई देखो अगर चुनाव तक मेरा साथ दोगे तो मैं चुनाव जीत सकता हूं, अगर बनने के बाद 5 साल साथ दोगे तो हम अच्छा काम करा पाएंगे। अब देखो आपने जिला पार्षद तो बना दिया जगबीर को, लेकिन खाली बनाने से काम नहीं चलेगा, अगर अच्छा काम कराना है अच्छा काम करना है रणवीर के तो 5 साल इस बच्चे के साथ आपको कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना पड़ेगा। क्या हम सभी ये वादा करते हैं जी, जितने लोग भाई यहाँ बैठे हैं खड़े आपने ये विश्वास दिलाया और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ आप कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो, काम की आपके वार्ड में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस बात पता लगेगा कि आपने किसी को जिला पार्षद बनाया ये आपको पता लगे, क्योंकि पहले भी आपने जिला परिषद के मेंबर बना करके भेजो इस बार भी बना करके भेजे हैं, लेकिन इस बार आपको अलग से पता लगेगा कि जिला परिषद क्या कर रही है। और उसका कारण है, उसका कारण ये है क्योंकि आज की डेट में जिस दिन से हम जिला परिषद बनी है उस दिन के बाद से आज तक खाली हम जिला परिषद के मेंबर या चेयरमैन ही नहीं भाई हम ईमानदार है, पूरे मेरे दफ्तर के अंदर चाहे वो सीओ चाहे कोई क्लर्क हो आज एक पैसा भी कोई नहीं लेता है, एक पैसा भी नहीं कोई लेता, बिल्कुल एक हिदायत कर रखी है कि कोई भी भ्रष्टाचारी सहन नहीं होगी। मैंने पहले दिन बैठा के कह दिया था हाँ काम क्वालिटी काम की चाहिए मेरे को क्वालिटी होनी चाहिए, और कोई भी ठेकेदार हो भाई इस चक्कर में उसका बिल नहीं रुकना चाहिए कि भाई था कोई चढ़ापा नहीं चढ़ाया, और उसका टाइम से बिल करो दो और एक पैसे की भी कोई हेरा फेरी और भाई वो बेईमाना या भ्रष्टाचारी बिल्कुल हम नहीं होने देंगे, ये संकल्प लेकर के हम चल रहे हैं। और इसी के लिए मेरा भी और जगबीर भाई का भी आपको देखो 5 साल हमारे साथ आपको कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना पड़ेगा, और वो काम हम नहीं ये मैं या जगबीर नहीं करेंगे, हम सब मिलकर के उसको काम को अच्छा काम करके दिखाएंगे। और आपने इतना स्वागत किया मान सम्मान दिया, और स्वागत मान सम्मान एक तरफ से नहीं होना चाहिए, मैं भी आज गुरु दरबार के अंदर गुरु जी के चरणों में शीश नवाते हुए आप लोगों को भी सबको हाथ जोड़कर नमन करके नमस्कार करता हूं और आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। हुण मैं अपने नगर के सरदार जसविंदर सिंह जी खालसा ट्रेडर बारे उन्होंने बेनती करांगा, वह भी चेयरमैन साहब का स्वागत करूंगा। का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुण साडे साडे नेक्स्ट सरपंच सरदार हरदीप सिंह जी ओह स्वागत दो शब्द कहणगे। इस तों उपरंत सारी संगत ने गुरुद्वारा साहिब दे विच चाह पाणी दा लंगर तैयार है, ओह चाह पाणी दा लंगर छकणा है। अते इस तों उपरंत साडे पिंड दे विच इक होर प्रोग्राम है, साडी बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश डांगा जी वह भी 1:30 बजे स्कूल के पुज रहे हैं। आप सब ने उस दे विच जाना है, सारे नगर ने प्यार का सबूत दे के उसे भी गए पहुंचना है। सो बेनती करांगा सरदार हरदीप सिंह जी इस सरपंच दो शब्द कहेंगे, ताकि क्योंकि हर एक जल्दी होती है, सो सुबह की छेती होनी है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं अज आप जी नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां जो पहला प्रकाश होया सी अज दे दिन होया सी, सारियां संगतां नूं देशां विदेशां विच सरबत संगतां नूं गुरपुरब दियां लख लख वधाईयां होण। उस तो उपरंत अज साडे विच साडे बहुत ही आदर ते सम्मान दे योग सोहण सिंह जी राणा जो साडे जिला दे परिषद के चेयरमैन ने वह पहुंचे ने। मैं अपने नगर वालों सरदार वरिंदर सिंह सरपंच गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी साडे एसोसीएशन के प्रधान गुरलाल सिंह चिंडा होर जिन्नी भी संगत नगर की पहुंची मैं सारे वालों इन्हों अपने पिंड पहुंचने से जी आया धन्यवाद आखदा। विशेष तौर पर इन्हों का धन्यवाद करते हाँ जिन्होंने साडे नगर 40 लाख की ग्रांट लॉन्च करके कह रहे हैं छेती ही टेंडर करवा के एक काम जो है किया जाएगा। 40-50 लाख का जो भी बजट 60 लाख इन्होंने आख्या जिन्ना भी यह खुला दिल इन्हों का जो काम ड्यूटी तो साई है उन्होंने प्रवान की है। सो मैं अपने नगर वालों अपनी संगत वालों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सरपंच साहब वालों सरबुत नगर वालों इन्हों आश्वासन दवाना जिमें असा जगबीर न ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਗਵੀਰ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी संगत जी गुरु के चाह के लंगर तैयार हैं, लंगर आए चाप जाके गुरु का लंगर छको, चाह का लंगर छकना है। जो भी गुरु घर की कमेटी वालों प्रोग्राम किया गया है गुरु के लंगर तैयार हैं, छक के जाने की कृपालता करनी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आईया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण 1 बजे का प्रोग्राम जो साडे हरियाणे के बाल अते विकास मंत्री कमलेश डांगा जी उन्हां दा स्कूल दे विच प्रोग्राम है, इसे तरह उत्थे ही आपां ने वध चढ़ के हिस्सा लैके आए हुए अपने मंत्री का स्वागत करना है। उन्हां तों भी कोई ग्रांटां आपां ने पिंड वालों डिमांडा रखनियां ने, उत्थे जाके भी आपां विशेष तौर ते हाजरी भरीए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।
ਠੀਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ झड़ती कला